तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बीए थर्ड सेमेस्टर पॉलिटिकल साइंस की यूनिट फोर्थ। यूनिट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी है तो चैनल पे प्लेलिस्ट क्रिएटेड है, वहाँ से आप देख सकते हैं। अदरवाइज आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कॉमेंट बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से देख सकते हैं। इसके अलावा जो हमारी पॉलिटिकल साइंस की यूनिट 6, 7, 8 है वो भी मैं कवर करा चुकी हूँ, तो कुछ दो से तीन यूनिट्स रह जाती हैं जिनको हम इस वीडियो में और आने वाली वीडियोज़ में कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की जो हमारी यूनिट है वो भारत में चुनाव आयोग की संरचना, उसके कार्य क्या हैं, उसके सामने क्या चुनौतियां हैं, क्या उसके अंदर बुराइयां हैं, क्या आपको सुधार करने की ज़रूरत है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके अलावा जो बीए थर्ड सेमेस्टर की इंग्लिश है वो भी मैं ऑलरेडी कंप्लीट करा चुकी हूँ विद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, और उन सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी टेलीग्राम चैनल पे। चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप सारे वीडियोस को और सारे ही नोट्स को एक्सेस कर पाएंगे। तो देखिए, इसमें हम बात करने वाले थे भारतीय चुनाव आयोग। तो सबसे पहले हम बात करेंगे संविधान में चुनाव आयोग के लिए क्या प्रावधान है, क्या व्यवस्थाएँ हैं। तो देखिए, संविधान का जो हमारा भाग 15 है उसके अंदर आपको आर्टिकल 324 से लेकर के 329 तक जो आर्टिकल मिलते हैं वो सारे ही किससे रिलेटेड हैं, निर्वाचन आयोग से। ठीक है, तो निर्वाचन संबंधित जो भी प्रावधान है वो सारे हमारे आर्टिकल 324 से 329 के अंदर में आते हैं, ये चीज़ अब याद रखेंगे। तो इसमें जो हमारे पास सबसे पहला आता है आर्टिकल 324, तो आर्टिकल 324 में हमें क्या मिलता है, निर्वाचन आयोग की व्यवस्था, कि संविधान में एक निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है जो कि आर्टिकल 324 में लिखा गया है। ठीक है, इसके अलावा ये जो आयोग होता है ये स्थायी होता है और स्वतंत्र निकाय होता है, मतलब किसी भी सरकार के दबाव में कार्य नहीं करता, अपने कार्यों के लिए पूर्ण रूप से स्वतंत्र होता है। और यह जो आयोग है वह संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के पदों के निर्वाचन के लिए भी निर्वाचन नामावली तैयार करता है। ठीक है, और निर्वाचनों के संचालन का अधीक्षण भी यही करता है, साथ ही साथ जो भी इंस्ट्रक्शंस वगैरह होते हैं, मतलब जो भी निर्देशन है या नियंत्रण वगैरह होते हैं उसके लिए भी यही जिम्मेदार होते हैं पूरी चुनावी प्रक्रिया के दौरान। ठीक है, उसके अलावा देखिए जो आर्टिकल 324 है इसमें हमें सेकंड भी मिलता है, मतलब 324 में का जो सेकंड पार्ट है उसमें बताया गया है कि जो निर्वाचन आयोग है वह मुख्य निर्वाचन आयुक्त और उसके अलावा कुछ निर्वाचन आयुक्तों से मिलकर बनता है। ठीक है, मतलब जिसमें कि टाइम टाइम पे क्या है, राष्ट्रपति जिसको नियत करते हैं। ठीक है, और मुख्य निर्वाचन आयोग और अन्य निर्वाचन आयोगों की नियुक्ति कौन करता है, तो ये की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। ठीक है, तो ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि किस आर्टिकल में इनके बारे में बताया गया है और कौन इनको नियुक्त करता है। उसके अलावा 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य था जिसमें केवल एक निर्वाचन आयुक्त ही होता था, लेकिन 16 अक्टूबर 1989 को सबसे पहले निर्वाचन आयोग में दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, और उसके बाद में फिर 1 जनवरी 1990 तक ये पद है जो मतलब स्थायी रहता है। उसके अलावा देखिए फिर से इसमें 1993 में कुछ चेंजेस आए हैं। तो देखिए 1 अक्टूबर 1993 में इसमें दोबारा से दो अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई, और उसके बाद ये जो आयोग है ये 3 सदस्य आयोग कहलाया गया। अब राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों को नियुक्त करते हैं, और साथ ही साथ वर्तमान में निर्वाचन आयोग में 3 निर्वाचन आयुक्त होते हैं। ठीक है, अब इनके पास समान ही शक्तियाँ होती है, तीनों के पास सेम इनकी सैलरी होती है, और उसके अलावा जो भी इनको अपने पद से मिलने वाले भत्ते या लाभ हैं वो सभी समान होते हैं, और चूँकि सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के बराबर होते हैं, मतलब जो सारे राइट या जो सारी सैलरी और प्रॉफिट वगैरह उसको मिलते हैं न्यायाधीश को, वही सेम सारे इन आयुक्तों को मिलते हैं। ठीक है, अब निर्वाचन आयुक्त के कार्यकाल की बात करें तो ये देखिए 6 साल का होता है और 65 वर्ष का होता है, मतलब या तो आपने 6 साल पहले पूरे कर लिए हो तो आपका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा, या आप 65 वर्ष की आयु पहले प्राप्त कर लेते हैं तो आपका कार्यकाल समाप्त माना जाएगा। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास आर्टिकल 324 है इसमें देखिए 5th पार्ट है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कि मुख्य निर्वाचन आयुक्त को किस तरीके से हटाया जा सकता है। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि किस तरीके से इनको इनके पद से हटाया जा सकता है, तो सेम जिस तरीके से सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है उसी प्रकार से निर्वाचन आयुक्त या मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सिफारिश पर मतलब इस पद से इनको हटाया जा सकता है। ठीक है, अब चुनाव की अधिसूचना लोकसभा राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्य का राज्यपाल ही जारी करता है। इसके अलावा एक आर्टिकल और आपके लिए इम्पोर्टेंट है, वो है 326। तो आर्टिकल 326 कहता है कि वयस्क मताधिकार का प्रावधान इसके अंदर किया गया है। ठीक है, भारत में मत देने का अधिकार एक कैसा अधिकार है, एक स्टैचुटरी राइट है, मतलब एक वैधानिक अधिकार है, और जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार सबको दिया गया है।
अब इससे रिलेटेड एक हमारे पास संशोधन आता है 61, तो 61 संविधान संशोधन अधिनियम 1988 में जो मताधिकार की आयु थी उसको 21 से हटा करके कितना कर दिया गया था, 18 कर दिया गया था, ठीक है। तो ये अपने आंसर राइटिंग में आप लिख सकते हैं, अदरवाइज जो आपके शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं उसमें आपसे पूछा जा सकते हैं कि किस संविधान संशोधन के अंतर्गत ये जो 21 वर्ष की आयु मताधिकार के लिए पहले हुआ करती थी इसको 18 कर दिया गया। तो 1988 में इसको किया गया था, ठीक है, मतलब 61 अमेंडमेंट था जो कि 1988 में हुआ था, जो कि 28 मार्च 1989 से इनेक्ट हो जाता है, मतलब पूरी तरीके से प्रभावी और लागू हो जाता है, ठीक है। अब इसमें जो क्वेश्चन आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, ये तो हमारा हो गया एक बेसिक सा ओवरव्यू कि क्या क्या चीज़ें हैं संविधान में, क्या प्रावधान है इनके लिए। अब हम बात करते हैं चुनाव आयोग के कार्य क्या क्या होते हैं। तो देखिए सबसे पहला काम क्या होता है इनका, निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन करना या सीमांकन करना। तो ये जो हमारा निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन है ये चुनाव आयोग का सबसे इम्पॉर्टेंट मतलब काम होता है। प्रथम आम चुनाव में निर्वाचन क्षेत्रों का सीमांकन जन प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 के अंतर्गत राष्ट्रपति द्वारा जारी की गई एक आज्ञा के आधार पर किया गया था, ठीक है। लेकिन देखिए इसके बाद में 1952 में एक परिसीमन आयोग की स्थापना होती है, परिसीमन आयोग अधिनियम जारी होता है। और देखिए जिन भी यूनिवर्सिटीज़ में लॉन्ग और वेरी शॉर्ट के साथ साथ एमसीक्यूज़ भी पूछे जाते हैं वहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि परिसीमन आयोग किससे संबंधित है, तो चुनाव आयोग या चुनाव अधिनियम प्रक्रिया से संबंधित है, ठीक है। अब इस अधिनियम में प्रावधान ये किया गया था कि प्रति 10 वर्षों बाद होने वाली जनगणना के बाद में ही निर्वाचित क्षेत्रों का सीमांकन किया जाना चाहिए। तो ये जो निर्वाचित क्षेत्रों का सीमांकन होता है ये किस आधार पर होना चाहिए, तो जनसंख्या के आधार पर होना चाहिए, ये बात किसने कही थी, परिसीमन आयोग अधिनियम में कही गई थी, ठीक है। अब मुख्य चुनाव आयुक्त को इस परिसीमन आयोग का अध्यक्ष माना जाता है। परिसीमन आयोग का अध्यक्ष कौन होता है ये भी आप याद रखेंगे, मुख्य चुनाव आयुक्त ही इस आयोग का अध्यक्ष होता है। मुख्य चुनाव आयुक्त के अलावा इसमें 2 सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों के अवकाश प्राप्त न्यायाधीश भी होते हैं और आयोग की सहायता के लिए राज्य से 2 से लेकर के 6 तक सदस्य का प्रावधान इसमें किया गया है। अब ये सहायक सदस्य संबंधित राज्य से लोकसभा या राज्यसभा विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों में से लिए जा सकते हैं। आम जनता द्वारा व्यक्तिगत अथवा संगठित रूप से आयोग के समक्ष सुझाव और आपत्तियां इसमें प्रस्तुत की जाती हैं, ठीक है, और इन सभी सुझावों या आपत्तियों पर खुले रूप से विचार किया जाता है, चर्चा की जाती है और उसके बाद में इस प्रक्रिया के उपरांत जो आयोग है वो सीमांकन आदेश की घोषणा करता है और आदेश अंतिम स्वरूप का माना जाता है, ठीक है। तो ये बात होगी निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन की, जो कि किसके द्वारा किया जाता है, चुनाव आयोग के द्वारा। अगला आता है जो हमारे पास मतदाता सूचियां होती हैं उनको कौन तैयार करता है, तो इसी आयोग का काम है मतदाता सूचियां तैयार करना। तो चुनाव आयोग का मुख्य कर्तव्य संसद अथवा विधान मंडलों के चुनाव के लिए मतदाता सूची तैयार करना और प्रत्येक जनगणना के बाद में आम चुनाव से पहले मतदाताओं के नाम लिखे जाते हैं जो कि नागरिक मतलब जो भी नागरिक वैध होते हैं, ठीक है। और देखिए जो मर चुके होते हैं उनके नाम मतदाता सूची से निकाले जाते हैं और मतदाता सूची के तैयार होने पर चुनाव आयोग द्वारा एक निश्चित डेट पर एक मतलब फिक्स तिथि पर आपत्तियां मांगी जाती हैं और कोई भी नागरिक इसमें आपत्तियां कर सकता है। नागरिकों द्वारा राजनीतिक दलों द्वारा उठाई गई आपत्तियों को चुनाव आयोग के कर्मचारियों द्वारा ही दूर किया जाता है, ठीक है। तीसरा हमारे पास आता है राजनीतिक दलों की मान्यता। तो देखिए राजनीतिक दल जो भी हमारे पास होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज या पॉलिटिकल ग्रुप्स जो होते हैं उनको मान्यता प्राप्त प्रदान करना ये कार्य किसका होता है, चुनाव आयोग का होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो काम है इसके चुनाव आयोग के उसमें से दूसरा माना जाता है राजनीतिक दलों को मान्यता प्राप्त करना, ठीक है। अब देखिए राजनीतिक दलों को मान्यता किस आधार पर दी जाती है, किस तरीके से कोई भी पार्टी नेशनल पार्टी या फिर स्टेट पार्टी का दर्जा प्राप्त करती है वो हम पिछली यूनिट में डिस्कस कर चुके हैं, तो यहाँ पर हम उसको रिपीट नहीं करेंगे। ये जो PDF है ये आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, तो वहाँ से आप इसको पढ़ लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वीडियो फिर बहुत ज़्यादा लेंथी हो जाएगा। उसके अलावा जो राजनीतिक दल हैं उनको चुनाव चिन्ह कौन प्रदान करता है, तो ये कार्य भी किसका होता है, इसी आयोग का होता है। अर्ध न्यायिक कार्य, तो संविधान ने चुनाव आयोग को कुछ न्यायिक शक्तियां भी दी हैं, जैसे कि धारा 103 के अंतर्गत जो राष्ट्रपति चुनाव आयोग है वो संसद के सदस्यों की अयोग्यताओं से संबंधित एक परामर्श जारी कर सकते हैं, और धारा 192 में राज्यों के राज्यपाल द्वारा विधानमंडल के सदस्यों के संबंध में इसी प्रकार का परामर्श प्रदान है। तो जो धारा 103 है वो राष्ट्रपति और संसद से रिलेटेड है और जो 192 है वो राज्यपाल और विधानमंडल से, ठीक है।
उसके अलावा देखिए जो चुनाव आयोग है उसके और भी कुछ मुख्य कार्य हैं, जैसे चुनाव संबंधी सुझाव वो आपको दे सकता है, मतलब चुनाव संबंधी जो सुझाव होते हैं वो प्रदान कराना। तो जैसे चुनाव आयोग समय समय पर चुनाव में सुधार करने के लिए सुझाव देता रहा है। मार्च 1998 में चुनाव आयोग ने सरकार से इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन जिसे हम EVM कहते हैं और मतदाता की जो आयु है वो 18 वर्ष करने के लिए और चुनाव क्षेत्रों के पुनर्गठन करने जैसे सुधार दिए गए थे, मतलब सुझाव दिए गए थे जिनको बाद में सुधारों में काउंट करके चेंज कर दिया गया था। तो चुनाव आयोग ने बहुत सारी ऐसी ही बहुउद्देशीय पहचान पत्र और चुनाव संबंधी याचिकाएं समय समय पर प्रस्तुत की हैं। न्यायाधीशों की नियुक्ति से रिलेटेड भी चीज़ें इन्होंने कही हैं। उसके अलावा कुछ इनके विधिक कार्य भी हैं, ठीक है, जिनको हम पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे यहाँ पर, कि चुनाव आयोग चुनाव कराने के लिए रिटर्निंग अफसरों तथा सहायक रिटर्निंग ऑफिसरों से नियुक्त करता है और जो चुनाव आयोग है वो मनोनीय पत्रों को दाखिल करता है, अंतिम तिथि तय करता है। चुनाव आयोग राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह प्रदान करता है। चुनाव चिन्ह से संबंधित अगर किसी पार्टी के बीच में झगड़े हैं उसको निपटाता है। चुनाव आयोग मतदाता केंद्रों की स्थापना करता है, आयोग सीमा निर्धारण करता है या राजनीतिक दलों के पंजीकरण का काम करता है। तो इसी प्रकार के कि पुनः मतदान का आदेश देना, ये सारे जो कार्य हैं वो कौन करता है, ये चुनाव आयोग करता है। निष्पक्ष चुनाव कराना और राजनीतिक दल सरकारी संबंधी अधिकारियों या उम्मीदवारों को आवश्यक निर्देश देना, ये सारे काम किसके होते हैं, चुनावी आयोग के होते हैं। ठीक है, देखिए अगला हम बात करेंगे राज्य स्तर पर निर्वाचन तंत्र की कैसी व्यवस्था है, क्या उसके कार्य हैं, पर उसको हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।